गरीबी की मार झेलते झेलते थक चुके हैं तो धनतेरस के दिन करें ये दो काम, हो जाएंगे माला माल। कहा जाता है कि जो भी चीज धनतेरस पर खरीदी जाती है वह 13 गुना और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग धनतेरस पर सोना, चांदी, भूमि, वाहन और बर्तन आदि खरीदते हैं। लेकिन जो धनतेरस पर इन महंगी चीजों को नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। गरीबी की मार झेलते झेलते थक चुके हैं तो धनतेरस के दिन करें ये दो काम, हो जाएंगे मालामाल। धनतेरस का पर्व हिंदू परंपराओं में बहुत ही खास माना जाता है। इस पर्व से ही दीपावली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हो जाती है, जो धनतेरस के दो दिन बाद तक मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की 13 तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पहले झाड़ू खरीदने की परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीजें जल्दी खराब नहीं होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जबकि बृहद संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और बुरी शक्तियों का सर्वनाश करने वाली बताया गया है। झाड़ू घर से वास्तु दोष दूर करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू लेने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। यदि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाए तो बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। झाड़ू कभी भी दो या चार के जोड़े में नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले मंदिर में दान करना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास रहे। इसके अलावा धनतेरस की रात घर की चौखट पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, और कहा जाता है कि जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए धनतेरस की रात घर की चौखट पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है।